हेलो एंड वेलकम बैक एंड दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, अगर आप भी बजाज फाइनेंस के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो तो डायरेक्ट कॉलिंग से कैसे बात कर सकते हो या फिर दोस्तों ऐप के जरिए से भी कैसे बात कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नए वीडियो आएँ उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर आपको ऐप से भी कंटिन्यू कैसे बात कर सकते हो, ठीक है, वो भी यहीं पर आपको जो बताने वाले हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंशियल ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर इसका इंटरफेस देख सकते हो। यहाँ पर आपको इसके अंदर कस्टमर सपोर्ट्स भी मिल जाता है, ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट बात कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्ट इसके डायल पैड से कैसे कॉलिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल पर क्लिक कर लेना है एंड गूगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों बजाज फाइनेंस, ठीक है, कस्टमर। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है पहले नंबर पर कस्टमर केयर नंबर, तो इसको हम सर्च पे लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया वेबसाइट पर बजाज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कॉलिंग का नंबर दिया है, तो यहाँ पर आप कॉलिंग डायल पैड पर यहाँ पर जैसे आओगे तो इनके नंबर यहीं से आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है। एक तरीका था यहाँ से आप डायरेक्ट ही बात कर पाओगे इस तरीके से। अगर ये गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।